श्री शिवाय हर हर महादेव कैसे हैं आप सब आज का ये जो उपाय है ये आपके घर से पितृ दोष को दूर करेगा वास्तु दोष को दूर करेगा और काल्प सर्प दोष को भी दूर करेगा और रोग को समाप्त करेगा और आपके जो भी कार्य नहीं बन पा रहे हैं वो कार्य भी सिद्ध करेगा गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए ये जो उपाय है ये आपको सोमवार के दिन करना है आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब ये उपाय करेंगे तो आपको जो जल है जो भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने का है वो आपको आपके घर के मटके से लेकर के जाना है यदि आप आपके घर से पानी लेकर के जाते हैं तो घर का वास्तु दोष दूर होता है यदि आप आपके घर के मटके से पानी लेकर के जाते हैं तो पितृदोष समाप्त तो होता है और ये जो जल है अगर भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं तो इससे आपका काल पसर पर सर्प दोष दूर होता है तो बहुत ही अचूक उपाय है तो इस प्रकार से आपको यह क्रिया करनी है यदि आपके घर में किसी को रोग है जो बढ़ता ही जा रहा है तो उसे रोकने के लिए आपको ये उपाय करना है देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सबसे पहले एक बेलपत्र चढ़ाना है सोमवार के दिन सबसे पहले एक बेलपत्र चढ़ाना है भगवान शिव के ऊपर ध्यान रखिए जब बेलपत्र आप चढ़ाएंगे ना तो ऊपर वाली जो पत्ती होगी वो आपको अंगूठे से पकड़नी है और उसके बाद आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित करनी है साथ में आपको कम से कम चावल के नौ दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है इससे आपके जीवन में जो भी रोग होगा जो बढ़ते ही जा रहा है तो वो रुक जाएगा इस प्रकार से क्रिया करनी है यदि आपको व्यापार में वृद्धि चाहिए यदि आपका जो व्यापार है वो थम चुका है रुक चुका है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको बहुत ही अचुक उपाय करना है देखिए आपको सबसे पहले बिलपत्र नहीं चढ़ाना है उसमें उसमें सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है और उसके बाद आपको बिलपत्र अर्पित करना है और उसके बाद चावल के नोदाने आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है तो तो इस प्रकार से जल अर्पित करने से और बेलपत्र अर्पित करने से आपकी समस्याएं जो है वो दूर हो जाती है तो आप ये जो उपाय है ये हर सोमवार के दिन कर सकते हैं ध्यान रखें मटके का पानी ले जाने मात्र से आपके तीन दोष दूर हो जाते हैं तो इस प्रकार से आपको ये क्रिया करनी है अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती बिल्कुल भी नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महाद